का हो भैया, मुंह लटका के काहे बैठे हो? का बताई भैया, हम खाना खाते रहे, चावल खत्म हो गवा। अलवाइन से बोले जरा चावल दे दो, कमबख्त ने जरा हुआ चावल दे दिया। गाइस, आज की वीडियो सबसे ज्यादा अलग और गाइस सबसे ज्यादा यूनिक होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, आप इस टाइप की फुल वायरल टॉप ट्रेंडिंग रील को कैसे एडिट कर सकते हो। और गाइस, इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर गाइस सबसे ज्यादा वायरल होती है। और गाइस, अगर आप अपनी इस टाइप की वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हो तो गाइस बहुत तेजी के साथ गाइस आपका चैनल ग्रो होने वाला है। गाइस मिलियंस में व्यूज जाते इस टाइप की वीडियोज के ऊपर। तो गाइस, आप इस टाइप की वीडियोज को कैसे बना सकते हो और गाइस आप कहाँ पे ऐसे अपना फेस कैसे लगाना है, आज की वीडियो में गाइस आपको सारा कुछ ए टू जेड बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस देखो, सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको यहाँ से जाना क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे से कर लेंगे ओपन। गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फनी जोक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। जाने के बाद आपको यहाँ पे फनी जोक टाइप करना है, फनी जोक एंड आपको यहाँ पे हिंदी स्टाइप से टाइप कर देना है। सो गाइस आपके सामने पर बहुत सारे जो जोक्स होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। गाइस आपका पे बस इमेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस आपका पे ध्यान रखना है गाइस, आपके एक जोक के अंदर गाइस दो करेक्टर होने चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एक पति है, ठीक है, ये वाला पति है और गाइस यहाँ पे पत्नी है। गाइस आपके यहाँ पे दो करेक्टर मिल चुके हैं गाइस, आप यहाँ पे दो करेक्टर भी बना सकते हो और आप यहाँ पे तीन करेक्टर पे भी बना सकते हो। तो भाई जैसे आप यहाँ पे इस वाले जोक को देख सकते हो, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक जज है और भाई एक पप्पू है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो करेक्टर है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे दो करेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो देखो, आपको यहाँ पे दो करेक्टर मिल चुके हैं, मतलब आपके यहाँ पे जोक में दो करेक्टर होने वाले हैं। तो देखो अब वो दो करेक्टर कौन कौन होने वाले हैं, जैसे पहले यहाँ पे आलू रख लेंगे और दूसरे यहाँ पे प्याज रख लेंगे, ठीक है। तो देखो वो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे आलू हमें यहाँ पे टाइप करना है, मतलब आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आलू टाइप करेंगे और उसके बाद में कैसे आपको PNG जरूर से लगा देना है और यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। देन आपका पे इमेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है, कैसे आपका पे बहुत सारे आलू मिल जाएंगे, जिससे आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके, मतलब आपको पे सिंगल ही डाउनलोड करना है, सिर्फ एक डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड गाइस जैसे हम यहाँ पे इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारा एक करेक्टर तैयार हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे दूसरा करेक्टर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दूसरा आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, लोकी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो गाइस हम यहाँ पे गाइस प्याज रखेंगे, ठीक है, ऑनियन भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम प्याज ही टाइप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्याज टाइप करेंगे और यहाँ पे PNG लगा देंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारी प्याज मिल जाती है, जिससे हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, इस पर क्लिक करके रखेंगे, डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे भाई ये भी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। सो अभी गाइस यहाँ पे दो करेक्टर हो चुके हैं। सो अभी क्या करना है, देखो गाइस आपको यहाँ पे अपने इन वाले करेक्टर का जो बैकग्राउंड है आपको यहाँ पे वो भी रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है फिर से remove.bg, ठीक है। क्या करना है, remove.bg, हाँ। तो यहाँ पे टाइप करेंगे remove.bg, आप यहाँ पे remove.bg भी कर सकते हो, आ जाएगी वेबसाइट, ठीक है। सो गाइस आपको यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है, ऊपर वाली पे, एंड आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ से अपने जो फोटो हमने डाउनलोड किए हैं, हमारे दो करेक्टर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है, बारी बारी से। तो गाइस पहले हम यहाँ से अपना आलू चूज करेंगे एंड यहाँ पे से अपलोड कर देंगे। गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका जो बैकग्राउंड होगा गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। गाइस आपको पे डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेव ही हो जाएगा, ठीक है। सो अभी क्या करना है, आपको यहाँ से बैक करना है, बैक करेंगे और इस बार आपको यहाँ पे अपनी प्याज सेलेक्ट करनी है। तो गाइस यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे प्याज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे कर देंगे अपलोड और गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। सो देखो गाइस यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड तो रिमूव हो चुका है। अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो रहेगा, हम यहाँ पे जो रखने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारे आलू प्याज बैठने वाले हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे सिर्फ इस बार बैकग्राउंड टाइप करना है, ठीक है, बैकग्राउंड टाइप करेंगे गाइस, आपको यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और ज़्यादा मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जैसे इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक बैकग्राउंड जिसमें हम यहाँ पे प्याज को बैठाने वाले हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे गाइस अपना आलू वाला देख लेना है। सो आलू को हम इस पर बैठाएंगे, क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। सो इतना काम कंप्लीट हो चुका है। सो अभी क्या करना है, देखो गाइस आपको यहाँ पे अपने प्याज और आलू को अपने बैकग्राउंड के ऊपर बैठाना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो गाइस आपको यहाँ पे जाना है अपने पिक्सार्ट ऐप के अंदर, ठीक है, पिक्सार्ट पे।
तो गाइस यहाँ पे जाएंगे पिक्सआर्ट को कर लेंगे यहाँ पे ओपन और आप इसे प्ले स्टोर से बहुत ईजिली जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एडिट फोटो पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड चूज कर लेना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड आ चुका है, तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे इसका जो रेशियो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से ये वाला चूज कर लेंगे, ठीक है, और राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे ऐड फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करना है, क्लिक करेंगे और भाई आपको यहाँ पे अपनी जो प्याज है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। क्लिक करेंगे ऐड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ चुका है। वैसे आपको यहाँ पे इसको अपना थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से जितना आप यहाँ पे करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगा, सो यहाँ पे इसे इतना करेंगे एंड आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो देखो अभी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही फेक लग रहा है, मतलब जैसे यहाँ से हमने अलग से यहाँ पे चिपका दिया हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टिकर वाला ऑप्शन क्लिक करना है एंड गाइस आपको यहाँ पे टाइप करना है शैडो, ठीक है। शैडो टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी शैडो मिल जाएंगी गाइस, आपको यहाँ पे जो भी ठीक लगे, मतलब मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे कौन सी चूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, चूज़ करेंगे और आपको यहाँ पे इसको बड़ा कर लेना है, बड़ा करेंगे और आपको यहाँ पे नीचे साइड ला के रख देना है। सो अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि आप पे थोड़ा रियल टाइप का लग रहा है। सो यहाँ पे इसी तरह करेंगे, राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। इस वाला ऑप्शन क्लिक करके सेव करेंगे और आपको यहाँ से बैक करना है। सो देखो आपके यहाँ पे जो प्याज है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब आपके यहाँ पे एक करेक्टर तैयार हो चुका है, ठीक है। सो अभी क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे अपना दूसरा करेक्टर तैयार करना है। तो भाई यहाँ से दूसरे करेक्टर का जो बैकग्राउंड है पहले यहाँ पे चूज़ करेंगे और यहाँ से इसका जो रेशो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्रोप वाला ऑप्शन में जाके एंड आपको यहाँ पे ये वाला कर लेना है स्टोरी वाला, राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे फिर से जाना है ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे और गाइस देखो आपको यहाँ पे अपना दूसरा करेक्टर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो हमारा आलू है। क्लिक करेंगे, चूज़ करेंगे, ऐड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब देखो इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमा लेना है इस टाइप से, तो भाई हम इसे खड़ा करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप से बड़ा करेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा सीधा कर लेंगे। तो देख ही सकते हो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है। सो यहाँ पे से इतना करेंगे और यहाँ पे से खड़ा कर लेंगे, ठीक है, राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब देखो आपको यहाँ पे इसमें भी शैडो डालनी है, थोड़ा रियल बनाना है इसे, तो स्टिकर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे फिर से टाइप करना है शैडो, टाइप करेंगे, सर्च करेंगे एंड आपको यहाँ से फिर से वो वाली शैडो चूज़ कर लेनी है जो कि हमने यहाँ से पहले चूज़ की थी, ठीक है, ये वाली गोल वाली चूज़ करेंगे और भाई देखो आपको यहाँ पे इसको बड़ा कर लेना है एंड इसे यहाँ पे थोड़ा रियल बना देंगे। सो यहाँ पे शैडो आ चुके हैं, राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब देखो काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहा है देखने में, ठीक है। देन आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। अब देखो गाइस आपको यहाँ पे इतना काम कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस देखो अभी क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा मेन काम है गाइस, आपको यहाँ पे अपने आलू में और अपने प्याज में गाइस आपको यहाँ पे जान डालनी है, गाइस आपको यहाँ पे आँखें और आपको यहाँ पे होंठ लगाना है, ठीक है, और गाइस आपको यहाँ पे वॉइस भी कैसे ऐड करना है गाइस, आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ गाइस, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। सो गाइस अभी क्या करना है गाइस, देखो आपको यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम को। तो यहाँ पे ओपन करेंगे, देन आपको ऐसे प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है और ऐसे रील वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है, और ऐसे इफेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस देखो गाइस आपको यहाँ पे टाइप करना है फेस बिल्डर, ठीक है, फेस बिल्डर। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइप करके दिखा देता हूँ, वैसे आपका फेस बिल्डर इस टाइप से टाइप कर लेना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये वाला फिल्टर चूज कर लेना है। तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे से कर लेंगे चूज और यहाँ से बैक कर देंगे। सो गाइस अभी क्या करना है, आपका ऐड मीडिया, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, गाइस क्लिक करेंगे और गाइस आपको यहाँ से अपना फोटो चूज कर लेना है, ठीक है, कौन सा वाला, आलू वाला। तो गाइस पहले हम यहाँ पे इसमें ही जान डालने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे से कर लेंगे चूज, ठीक है। सो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ से अपने फ्रंट वाले कैमरा को ऑन करना है, फ्रंट वाले कैमरा को ओपन कर लेंगे। तो गाइस आप फेस आ चुका है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो और गाइस आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये वाला गाइस आपको यहाँ पे बीच में ला के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे से इतना कर लेंगे और गाइस आप यहाँ से बहुत ही इजिली शूट कर सकते हो, ठीक है, अपनी वीडियो को। गाइस पहले क्या करना है, गाइस पहले आपको यहाँ पे अपनी जज वाली वीडियो को शूट करना है, जो उसकी लाइन आपको यहाँ पे वो शूट करना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है, गाइस आपको इस पर क्लिक करना है और आपको शूट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी जज वाली लाइन शूट हो चुकी है, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको यहाँ से इसे अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो देखो अभी क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे अपना पप्पू वाला करेक्टर भी शूट करना पड़ेगा, ठीक है, इसी टाइप से, पर इस बार आपको यहाँ पे अपनी प्याज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से बैक करेंगे और गाइस आपको यहाँ पे फिर से बैक करना है, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट ओवर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो देखो आपको यहाँ पे फिर से ऐड मीडिया पे क्लिक करना है और इस बार गाइस आपको यहाँ पे अपनी प्याज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, अपनी प्याज सेलेक्ट करनी है। तो क्लिक करेंगे, चूज करेंगे
और आपका पे अपना फ्रंट वाला कैमरा ओपन कर लेना है। बस यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप पे देख सकते हो ठीक है। और आपका पे इस पे पकड़ना है, फेस पे पकड़ना है एंड आपका पे स्टाफ से ला के रख देना है ठीक है। आपको बीचों बीच करना है बिल्कुल जहाँ पे आपको ठीक लगे। सो देख ही सकते हो बस हो चुका है ठीक है। तो देखो अभी आपका पे अपने पप्पू वाली लाइन को शूट कर लेना है, पप्पू वाली लाइन को ठीक है। तो बस मैं शूट कर लेता हूँ। यहाँ पे शूट हो चुके, देन आपका पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, आपका पे क्लिक कर लेना है ठीक है डाउनलोड वाला ऑप्शन में। और आपका यहाँ पे इसको भी गाइस अपने गैलरी में सेव कर लेना है। तो देखो गाइस आपका यहाँ पे दोनों करेक्टर तैयार हो चुके हैं। अभी क्या करना है गाइस आपका यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ना है ठीक है। और आपका पे अपने गाइस फनी जो होते हैं साउंड वो भी आपका पे ऐड करने पड़ेंगे। सो अभी आपका से बैक करना है और अभी आपका पे अपने VN ऐप को ओपन करना है ठीक है। VN ऐप को तो गाइस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसे कर लेंगे ओपन। और गाइस यहाँ पे मैंने दोनों वीडियो ऑलरेडी शूट करके रखी थी ठीक है, मैं आपका भी गाइस दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने आपका पे पहले से बताने के लिए ऑलरेडी शूट करके रखी है। गाइस यहाँ पे हमने ये वाले दोनों अभी शूट किए हैं ठीक है। गाइस मैंने यहाँ पे बोला नहीं था मैंने यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब माइक लगा रखा था तो गाइस वहाँ पे आपको साउंड सुनाई नहीं देता। तो गाइस यहाँ पे इन्हें कर देंगे डिलीट ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन्हें डिलीट कर देंगे। तो गाइस आपका पे सेम ऐसे ही शूट करना है ठीक है अपनी वीडियो को, जैसे मैंने आपको पे बताया। तो गाइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दो वीडियो शूट करके रखी है ठीक है, ये वाली आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस देखो आपके यहाँ पे दोनों करेक्टर तैयार हो चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ना है ठीक है, जॉइंट करना है। तो क्या करना है आपको ऐसा अपने VN ऐप को ओपन करना है, क्लिक करेंगे ओपन करेंगे, देन आपको ऐसे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और गाइस आपको पे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है ठीक है। देन आपको ऐसे अपनी पहली वाली वीडियो चूज करनी है गाइस, कौन सी जज वाली, हाँ तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे से कर लेंगे चूज। देन आपको पे इसके बाद आपको यहाँ पे पप्पू वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है, तो क्लिक करेंगे चूज करेंगे और आपका पे एरो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे हमारे दोनों वीडियो आ चुकी है, आप देख ही सकते हो। तो देखो अभी क्या करना है गाइस, आपकी वीडियो का जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपको यहाँ से वो कट करना पड़ेगा ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गाइस माइक लगा के रखा है, तो अभी मैं ऐसे कट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पे आवाज़ ही नहीं आएगी, तो यार मैं कट कैसे कर पाऊँगा ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इसे डिलीट कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दिया है ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट था तो यहाँ से मैंने कट कर दिया है। गाइस बहुत इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो ठीक है। सो देखो अभी क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे इनमें थोड़ा सा एनिमेशन भी ऐड करना है। तो क्या करना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे गाइस आपको पे की फ्रेम पे क्लिक करना है एंड गाइस आपका पे इसको थोड़ा सा इस टाइप से जूम करके साइड में कर देना है, देख ही सकते हो ठीक है। देन आपका पे आगे आना है, फिर से की फ्रेम ऐड करेंगे और इस बार आपको यहाँ पे थोड़ा से इस टाइप से कर देना है ठीक है। तो गाइस आपका पे सेम ऐसे ही करना है, जिस जैसे आप अभी करना चाहो बहुत ईजीली जैसे आप अभी इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हो। तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे से इतना करेंगे, तो अभी आप यहाँ पे इसे चला के देख सकते हो ठीक है। तो अभी आपका पे कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे बोल नहीं रहा है ठीक है, तो यहाँ पे से आएंगे और गाइस आपका पे कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस आपका पे सेम ऐसे ही करना है, मतलब आप यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने दोगे तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन डाल देना है ठीक है। कैसे करना है, क्लिक करना है की फ्रेम पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके ऐसे कर देना है ठीक है। देन आपको यहाँ पे फिर से आगे तरफ जाना है और ऐसे फिर से की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पे से थोड़ा स्टार्ट से कर लेंगे, फिर आपको फिर से आगे जाना है, की फ्रेम पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे स्टार्ट से कर लेना है। बस बहुत ईजीली आप भी कर सकते हो, तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से बता दिया कि आपको यहाँ पे कैसे करना है। सो देखो अभी क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे साउंड भी ऐड करना है ठीक है फनी वाला, तो आपको यहाँ पे लास्ट में आना है एंड साउंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, साउंड पे क्लिक करेंगे और कैसे आपका पे ये वाला मिल जाएगा ठीक है, नो 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 वाला जो होता है क्लिक करेंगे चूज करेंगे और आपका पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो कैसे आपका पे लास्ट में ही रखना है ठीक है, तो यहाँ पे से इतना कर लेंगे और यहाँ पे से थोड़ा बढ़ा लेंगे एंड यहाँ पे से थोड़ा पीछे साइड कर लेंगे ठीक है। तो कैसे आप साउंड भी ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो। और कैसे आपसे अभी वीडियो को चला के देखते हैं। मालिक के होते हुए तुमने चोरी कैसे की? सब आपकी बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, फिर ये सब सीख आप क्या करोगे? तो गाइस आप अभी देख ही सकते हो गाइस अभी वीडियो बहुत नेक्स्ट लेवल की एडिट हो चुकी है। देन आपको अभी साउंड ऑप्शन क्लिक करना है, राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, तो गाइस ऐसे बहुत इजीली ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे मैंने इस फनी साउंड का यूज किया है, तो इसकी लिंक गाइस आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उससे बहुत इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना, ताकि गाइस आपको यहाँ पे आगे भी कुछ इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलते रहे। और गाइस वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर से बताना।